प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न 5 से 10 तक का वर्णन करेंगे और उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसका भाव है। कवि के अनुसार जो प्राचीन भारत है उसमें चारों ओर कष्ट ही कष्ट है और भारतीयों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसे समय केवल कोयल ही है जो अपनी मीठी आवाज से सबको शांत करती है। अतः कोयल की मृदुलता की रखवाली करने वाली कहा है। कोयल जेल में अपने मीठे गीतों से कवि को सांत्वना देना चाहती है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ, इसका भाव है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको जेलों में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता है ताकि वे अपना स्वाभिमान भूलकर देश के प्रति अपने अभिमान को भूल जाएं, लेकिन वे इन सब कामों को हंसकर खुशी खुशी पूरा करते हैं और ऐसा करके वो ब्रिटिश सरकार का जो घमंड है उसको चूर चूर कर रहे हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? मेरे बच्चों, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि कहीं उसके हृदय में कोई पीड़ा तो नहीं है। रात के समय कूक कर वह अपनी पीड़ा को उजागर तो नहीं कर रही है या वन में कोई आग लगने की सूचना तो नहीं दे रही है। यह भी हो सकता है कि वह किसी की अप्रिय घटना की कोई सूचना लेकर आई हो या उसने अंग्रेजों के प्रति जो क्रांति फैली हुई है उसकी कोई ज्वाला देख ली हो या वह जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए कोई विशेष संदेश लेकर आई हो। यह भी हो सकता कि कोयल पागल हो गई हो। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल आजाद है तथा आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकती है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न हो उठते हैं और वाह वाह करते हैं, जबकि कैदी का तो रोना भी गुनाह माना गया है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मीठी स्मृतियां अंकित हैं, जैसे कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मीठा गीत सुनाया करती थी। कोयल दिन के समय अपने गीत सुनाती थी। कवि जब कोयल को आधी रात में गीत सुनते पाता है तो वह उसकी पीड़ा को अर्थात उसकी का जो गीत है वो उसको हुक जैसा महसूस होता है। यूं तो ऐसे कोयल का गीत गाना उसे विचित्र लग रहा था, किंतु ऐसा सुनकर उसको
महसूस होता है कि शायद कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है।